मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बड़ी बैठक आयोजित की गई, वह बूथ सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। वहीं 24 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। इस बैठक में लोकसभा राज्यसभा सांसद के साथ साथ स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और प्रदेश भर से कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचे और बैठक में शामिल हुए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सागर थापा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, क्या कुछ अहम रहा इस बैठक में और कौन कौन शामिल हुआ? सागर, आज की बैठक में क्या कुछ अहम रहा, क्या कुछ अहम बातें सामने आई और भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन शामिल हुआ? विधानसभा चुनाव में जो परिणाम अच्छे नहीं मिले, जिन बूथों पर विधानसभा चुनाव हारी है बीजेपी, उस पर समीक्षा की गई। उसमें रवि किशन भी थे मौजूद, सांसद दिग्विजय, माफ करूंगा, रवि किशन भी थे और तमाम जो बड़े बड़े सांसद कौशल किशोर भी थे और तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, सुधांशु त्रिवेदी से लेकर तमाम जो कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई और बूथों को जांचा गया हर एक प्रदेश अध्यक्ष से लेकर। ये बताता चलूँ की जो बैठक हुई थी, ये प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में हुई थी। इसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता भी सम्मिलित थे और इसमें बूथ समीक्षा को देखा गया है। हर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हर जिला अध्यक्ष, हर बूथ अध्यक्ष को अपनी जिम्मेदारी बांटी गई है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 2024 की बीजेपी की पूरी तरह से तैयारी इस बैठक को कहा जा सकता है। जी, क्या कुछ अहम बातें निकल करके सामने आई है इस बैठक के बाद सागर? जी जी, बैठक में देखिए फैसला लिया गया कि बूथ समीक्षा किस तरह से किए जाए और सबसे बड़ा फैसला जो इस वक्त चल रहा है देश में, अग्निपथ अग्निवीर को लेकर। अग्निवीर पर भी तमाम जो सांसद हैं रवि किशन से लेकर तमाम लोग बोले और उन्होंने साफ साफ एक संदेश दिया कि युवाओं को बरगलाइए नहीं, युवा है, इसका लुत्फ उठाइए, इसका फायदा उठाइए, आपको इस मौका मिला है देश सेवा करने का। और तमाम और जो चुनाव को लेकर भी चर्चाएं हुई, चुनाव को लेकर तमाम जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहे वहां पर बूथ समीक्षा बैठक में। उन्हें चर्चा की गई, हर व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई कि अपने बूथ को मजबूत करे और बीजेपी को एक बार फिर से पुनः केंद्र में लाने की कोशिश करे और लाए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सागर। जी, सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना का विरोध शुक्रवार को भी जारी है, जहां यूपी बिहार के कई ट्रेनों को फूंक दिया गया है। बिहार के अलग अलग शहरों के साथ साथ यूपी के बलिया में भी युवा सड़कों पर आ गए हैं अग्निपथ योजना को लेकर। यमुना एक्सप्रेसवे को दोनों तरफ से प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया है। ग्रेटर नोएडा के जेवर स्थित यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ से सैकड़ों युवाओं ने जाम कर दिया, साथ ही एक बस को आग लगा दी गई। साथ ही अन्य जिलों में भी लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला, ऐसा चाहिए। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है, इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः सकते। मथुरा, अलीगढ़, औरैया, लखीसराय, बिहार के कई जगहों पर भी ट्रेनों में आग लगा दी गई है। इस प्रदर्शन में युवा रोडों पर आ रहे हैं और अग्निपथ योजना को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे को दोनों तरफ से प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया है।
देश के अलग अलग हिस्सों से युवाओं के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ युवा इस योजना का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां, उसको एक राजनीति का मुद्दा बनाकर सामने आ रही हैं। साथ ही साथ जो युवा पहले से एग्जाम दे चुके हैं, चाहे जल थल वायु सेना किसी का भी, जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनमें भी खासा आक्रोश देखने को मिला। या आक्रोश उन युवाओं में भी देखने को मिला है जो जिनकी उम्र सीमा जो है या तो खत्म हो गई है या खत्म होने वाली है। प्रदर्शन की तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही है। मथुरा, अलीगढ़, औरैया, लखीसराय, बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि युवा किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेनों में युवाओं ने आग लगा दिया है। ये यही युवा है जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, जिन्हें देश का भविष्य कहा जा रहा है, और ये देश में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये सहमत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये योजना पसंद क्यों नहीं है? किसकी कमी है? इसका तो पता वक्त आने पे ही पता चलेगा, लेकिन अभी जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है बेहद निंदनीय है। कई जगह से ऐसी भी खबरें आई है जहां पर युवा ने फांसी लगा लिया है, आत्महत्या किया है। कहीं ना कहीं एक तरफ जहां अग्निपथ योजना के तहत अग्नि योद्धा, अग्निवीर बनाने की कोशिश देश के युवाओं को की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन की तस्वीरें बेहद भयावह है। वही मथुरा से हमारे संवाददाता धनी राम और लखनऊ से विभांशु जुड़ चुके हैं। धनी राम, मथुरा में किस तरह का प्रदर्शन जारी है और युवाओं की क्या कुछ मांग है? जी जी जी, मैं आपको बता दूं कि मथुरा में सुबह से ही प्रदर्शनकारी नेशनल एक्सप्रेस पर, हाईवे पर आ गए थे, और सुबह से रेल रोको आंदोलन है, तो जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। साथ ही साथ कई जगह हिंसा घटनाएं भी हुई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकाम हो गया है। हालांकि प्रशासन ने, आज शुक्रवार था, शुक्रवार को प्रशासन को दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तो जुम्मे की नमाज को शांतिपूर्वक संपन्न कराना था, दूसरा बीचों बीच में ये प्रदर्शनकारियों का ये अग्निपथ वाला मामला सामने आ गया। तो दोनों तरफ प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी है। दूसरे ये कि नेशनल एक्सप्रेस वे पर ये कई गाड़ियां तोड़ी गई हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा गया। साथ ही साथ रेलवे ट्रैक पर भी युवा पहुंचे, उनकी एक ही मांग है कि जो सरकार के द्वारा ये अग्निपथ योजना चलाई जा रही है, इससे कहीं ना कहीं युवा बेरोजगार होगा, जो कि चार साल कई काफी समय से युवा इस फौज की तैयारी कर रहा है और वो चार साल में ही रिटायर हो जाए, चार साल रिटायर होने के बाद में वो एक बेरोजगार अपने आप को महसूस समझे। ये रोष इतना बढ़ गया है कि आप देख रहे हैं दो दिन से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, और कई बसों को नुकसान पहुंचाया। अभी अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने एक हमारे मथुरा और आगरा रोड पर एक हरियाणा रोडवेज की बस में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाले इधर से उधर भेज रहे हैं, तो जहां इकट्ठा हो जाते हैं वहीं वो इस घटना को अंजाम देने में उतारू हो रहे हैं। साथ ही पत्थरबाजी भी चल रही है, पत्थरबाजी भी चल रही है। और हालांकि अभी फिलहाल दोपहर को हो चुका है, इसके बाद में पुलिस ने इस मामले पर काबू पा लिया है और स्थिति को सामान्य कर दिया है। जी बिल्कुल विभांशु, सरकार एक तरफ युवाओं को अग्निवीर बनाना चाहती है अग्निपथ योजना के तहत, लेकिन जो युवा है वो प्रदर्शन वीर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह से जो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है बेहद डरावनी है। कहां चूक देखते हैं आप? या सरकार इन्हें योजना नहीं समझा पा रही है, या फिर युवा समझना ही नहीं चाहते हैं? देखिए, अग्निपथ स्कीम पर आपको बताएं कि आज दूसरा दिन उसके प्रदर्शन का है। वहीं आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के 16 जिलों तक इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, साथ ही साथ अब देश के अन्य राज्यों में भी इसका विरोध प्रदर्शन हुआ है। वहीं अगर बात करें तो खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी संख्या में युवा अग्निपथ जो स्कीम है, जिसमें उन्हें अग्निवीर के नाम से संबोधन किया जाएगा, साथ ही साथ उन्हें 4 साल की नियुक्ति दी जाएगी जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और उन्हें जो अगर बात करें तो उन्हें भत्ते के तौर पर 30,000 रुपये, और जब वो 4 साल बाद रिटायर होंगे तो 11,50,000 लगभग उन्हें दिए जाएंगे। तो इसके विरोध को लेकर आज देश भर के उत्तर प्रदेश बिहार समेत अन्य जो जिले राज्य हैं वहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में
ये जो अग्नि पथ योजना है इसका विरोध प्रदर्शन 16 जिलों में फैल चुका है। वहीं आपको बताएं कि बलिया, बनारस, फिरोजापुर, मथुरा, जौनपुर, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद समेत उन्नाव, बांदा, बुलंदशहर, खुर्जा, अमेठी, सदर समेत आपके उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जहां आपको बताएं कि अलीगढ़ के अंदर में जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस की जो चौकी है उसको आग के हवाले कर देते हैं। वहीं वाराणसी के अंदर में जो दुकानें हैं उस पर तोड़फोड़ की जाती हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो अभी आपने को बताया कि मथुरा से हमारे संवाददाता ने कि जो एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे, इस पे बसों को रोककर और जो यातायात है उसको बाधित किया गया है। साथ ही साथ कुछ बसों पर तोड़फोड़ भी की गई है। तो कहीं ना कहीं युवा जो हैं ये स्कीम को समझ नहीं पाए हैं, वरना इस स्कीम को जो समझ रहे हैं उनसे वो खुश नहीं है, क्योंकि जो युवा हैं उनका साफ तौर पर कहना है त्रिसला कि अगर वो 4 साल के लिए जाते हैं, 17.5 साल पर उनकी नियुक्ति होती है और जब वो 4 साल के बाद उससे रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उन्हें रिटायरमेंट के तौर पर इस स्कीम में कहा गया था लगभग उन्हें 30 लाख रुपए मिले, आपके 11,60,000 रुपए मिलेंगे। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम इसमें जाते हैं और हम शहीद होते हैं तो क्या हमें शहीद का दर्जा मिलेगा, उनकी तरफ से सवाल किया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रदर्शनकारी हैं वो 17 साल का जो क्राइटेरिया है उसके बाहर के हैं, जो अन्य जो सामान्य भर्ती होती है सेना के अंदर में वो विगत। मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी योजना को, जिस तरह से सरकार युवाओं को अग्निवीर बनाना चाहती है, युवा प्रदर्शन वीर बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे वाक्या को? ये इसके पूरे तत्व मेरे को भी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है, जो सुनने में आ रहा है, जो अखबार में पढ़ रहा हूँ, अग्निवीर 4 साल के अंदर ट्रेनिंग करना और उसको युद्ध क्षेत्र में, फील्ड एरिया में डिप्लॉय करना, इस्तेमाल करना, थोड़ा शक्य ऐसा लग रहा है कि ये, वैसे मेरे को अपने यूथ पे पूरा भरोसा है कि वो अपना जो भी काम देंगे वो पूरे तरीके से करेंगे, ठीक से करेंगे, लेकिन फिर भी वो एक्सपीरियंस कोई चीज होती है और ट्रेनिंग कोई चीज होती है, उस पे वो खरे उतरेंगे कि नहीं, ये एक सवालिया निशान है। अगर हमारे पास जो हमारे ड्यूटी हैं, दो दुश्मन देश, आधा यू कैन से इंटरनल भी है प्रॉब्लम्स, तो ये इन सब का सामना करने के लिए इसमें एक्सपेरिमेंट होना नहीं चाहिए मेरे विचार से। इसको तो ट्रायल के तौर पे करते तो ठीक था, लेकिन एकदम इस योजना को लागू करने जा रहे हैं तो ये शायद राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कमियां हो सकती हैं। सर, अगर बात किया जाए तो युवाओं का ये भी कहना है कि अगर हम 4 साल नौकरी में रहेंगे, 4 साल के बाद हमारे पास अवसर नहीं होंगे, तो सरकार का ये भी कहना है कि आपको पढ़ाई का भी पूरा मौका दिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि नौकरी और ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई युवाओं के लिए इतना आसान होगा जो ज्वाइन करते हैं अग्निपथ को? ये आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत कठिन समस्या, 4 साल का टेन्योर है, उसमें पढ़ाई भी का मौका देंगे, ये तो मेरे को ठीक नहीं, कहीं इसमें कमी है। और दूसरी बात है, कुछ राज्य होम मिनिस्टर ने भी बोला और कुछ राज्य भी बोल रहे हैं कि अग्निवीरों को जो है ये प्राथमिकता देंगे नौकरी में, वो कहना एक बात है, प्राथमिकता देने की बात हो रही है, लेकिन कंफर्म कोई है ऐसा कोई योजना कि जिसके तहत जब जो भी अग्निवीर है उसको मिलेगा ही मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट में या कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में? ऐसा कोई लॉ है नहीं, कोई योजना है नहीं, सिर्फ एक कथित बात है। अब वो लागू होता कि नहीं होता उसमें भी सवाल या निशान है। जी, तमाम जानकारी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु और धनीराम मथुरा से जुड़े हुए हैं। धनीराम जी, जिस तरह से जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है उनका कहना है कि कहीं ना कहीं युवाओं को इक्वल मौका नहीं मिल पाएगा, तो मथुरा के युवाओं का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं सरकार से? जी,
जी 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 मैं आपको बता दूं कि मैंने सुबह से ही कई युवाओं से बात की जो कि फौज की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि सरकार का ये कदम है तो बहुत अच्छा, परंतु 4 साल के बाद में जो रिटायरमेंट दिया जाएगा और जो भी उनको पैसा दिया है जी एक विषय है। दूसरा ये है कि उनका कहना है कि 4 साल के बाद में हम दोबारा से अपने खड़े हो पाएंगे, ये भी एक विषय है। हालांकि कुछ ने इसका विरोध किया है तो बहुत युवा इसका विरोध भी कर रहे हैं तो बहुत समर्थन भी कर रहे हैं, जैसा कि अब रोड पर आप देख रहे हैं पूरे उसमें युवाओं ने रखा है, यहाँ पर सभी रास्ते बंद हैं, सभी गाड़ियां बंद हैं, सभी तरीके के पुलिस प्रशासन इंतजाम कर रही है, पर युवा मानने को राजी नहीं है। अभी सरकार से वो ऐसे जो निर्णय लिया है उसको वापसी की मांग कर रहे हैं। जी जी आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक हैरान कर देने वाली खबर जनपद अयोध्या से सामने आई है। अयोध्या में साकेत महाविद्यालय में 4 शिक्षकों को पानी के साथ कोई जहरीला पदार्थ देने के बाद प्रोफेसर की हालत गंभीर हो गई, जबकि प्रोफेसर के मुंह में छाले और पेट में जलन की शिकायत है। बता दें कि स्कूल में एग्जाम के दरमियान शिक्षकों ने महाविद्यालय में नियुक्त चपरासी चंद्र प्रकाश से पानी मांगा था और पानी पीने के बाद शिक्षकों के मुंह में जलन होने लगी। मामले में शिक्षकों ने इसकी शिकायत महाविद्यालय प्रशासन से की। संदिग्ध परिस्थितियों में पानी में मिले केमिकल को लेकर संबंधित चपरासी से पूछताछ की जा रही है। क्या था ये तो जांच का विषय है। अध्यापकों ने कहा कि हमको कुछ लग रहा है इसमें, मुंह पे हमारे पूरा वो लग रहा है, कुल बाहर जैसे होता है तो बुलबुला बुलबुला, ये लोग तुरंत गए थूके अपना उसको, पानी मांगा, पानी पिलाया चपरासी ने, चपरासी वही पिलाता है, उस दिन नहीं कोई था दूसरा चपरासी था, वो जाके पानी लोग पिलाया, बस इतनी घटना घटी। जो पानी बचा था उसने डाल दिया वाशबेसिन में, वाशबेसिन में डाला तो मैंने कई लोगों से भी दिखाया कि वाशबेसिन डालता है केमिकल उसमें होता है तो वाशबेसिन का जो अब कट जाता है मैल कट जाती, बस इतना है। उसके खिलाफ़ मैंने दे दिया उसको नोटिस भी दे दिया। एक्चुअली पानी तो हम लोग रोज़ पीते हैं, रूटीन वर्क था, पेपर दे करके आए और चपरासी को बुलाया कि भैया पानी पिला, तो धूप से आए हैं वो पानी लेकर के आया और पानी जैसे हमने मुंह में लिया एक घूंट भरा तो मुझको लगा इसमें कुछ साल्टी सा लग रहा है और फिर मैं भागा वाशबेसिन की तरफ, वाशबेसिन में गया मैंने कुल्ला किया और जैसे मैंने उसको कुल्ला किया फिर देखा कि उसमें से धुआं निकल रहा है जैसे कि एसिड से धुआं निकलता है। फिर बाकी 3 हमारे साथी और थे ये भी गए भागे भागे, उसमें हमारे राय साहब थे। संवाददाता राघवेंद्र इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र ये जो पानी में जो पानी पिलाने का मामला सामने आया है, जो प्रोफेसर को पानी पिलाया गया, इस मामले में पूछताछ चल रही है, पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आया है? देखिए तिरछला आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो 15 तारीख का है, तो अगर 15 तारीख को कॉलेज के 4 प्राचार्य आते हैं और प्रोफेसर आते हैं, माफ कीजिएगा, तो ये आने के बाद जो है वो वहाँ के कर्मचारी से जो चपरासी है उससे पानी मांगते हैं और पानी की में कुछ केमिकल युक्त जो है पानी उनको दिया जाता है पीने के लिए। अब सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है वो महाविद्यालय प्रबंधन के ऊपर पड़ता है कि जिस जगह पानी का रखरखाव रहता है, पानी जहाँ से चपरासी रखता है वहाँ पे वो केमिकल या एसिड कैसे आया, और अगर सवालिया निशान ये है, और दूसरा चीज कि अगर एसिड आया है तो वो कौन लाया और कहाँ से वो आया। अगर प्रोफेसर की जगह कोई छात्र उस पानी को पी लेता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तो जो इसी सब मामले को लेकर के महाविद्यालय प्रशासन जो है वो एक कमेटी गठित की है जिसकी जाँच कर रही है, और अगर बता दें इस मामले को लेकर के पूरा मामला जो है वो पुलिस प्रशासन के भी अवगत हो गया है, जो कि पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो अब महाविद्यालय के अंदर एंट्री कर चुकी है। और बता दें अगर आपको तो महाविद्यालय में जांच पड़ताल पूरी तरीके से पुलिस ने जारी कर दिया है कि पानी में केमिकल कहां से आया और किसने डाला। अगर बता दिया जाए कि इस पानी को 4 प्रोफेसर जो है वो पिए थे
उनमें से तीन की हालत जो है वो सही है, एक की हालत गंभीर है जो कि लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती है। जी सिलसिला इस पे जो प्यून है उसका क्या कुछ कहना है, क्या प्यून का कोई बयान सामने आया राघवेंद्र, पुलिस ने पूछताछ की प्यून से? देखिए त्रिशला, अगर बात की जाएगी प्यून की तो जो वहां पे वो आया उसने साफ तौर पे ये कह रहा है कि मुझे उस पानी में कैसे ये केमिकल पड़ा है मुझे नहीं जानकारी है, बहरहाल मुझसे पानी मांगा गया और जैसे मैं हर हमेशा देता हूँ पानी उसी तरीके उनको दिया ले जा करके। राघवेंद्र, जो एक प्रोफेसर काफी सीरियस बताया जा रहा है लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, उनके इलाज के दौरान डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है कि क्या कुछ केमिकल था, किसकी वजह से हालत इनकी इतनी गंभीर है? देखिए अगर बता दें तो सबसे पहले जो जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है तो उनको दशरथ महर्षि दशरथ जो है मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में है वहां पर ले जाया गया रात में चारों को, तो जिसमें तीन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, घर भेजा गया, उसमें से एक लोग को जो है वो ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। तो अगर बता दें इंडोस्कोपी किया, इंडोस्कोपी करने के बाद लगभग जो गंभीर अवस्था में है उनका अंदर का जो है वो 60% ज्वलनशील पदार्थ से जल चुका था। जी जी इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, तमाम जानकारी के शुक्रिया राघवेंद्र। गोंडा के पड़ोसी जिले बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना की शुरुआत हुई, वहीं एक साल भी नहीं बीता और माइनर में पानी तक नहीं मिल पा रहा है। किसान अपनी हरी भरी फसलों की सिंचाई के लिए परेशान है जिसकी वजह से उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि जब बारिश होती है तब इन माइनर में पानी आता है, उससे पहले कभी पानी नहीं आता है। संवाददाता अनिल उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ पूरा मामला है? जी अनिल, क्या कुछ ये पूरा मामला है, पानी को लेकर क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किसानों को गोंडा में? मैम पानी को लेकर बड़ी समस्या हो रही है, फिर कैसे बरसात आएगा, बरसात में उनके बंधक भी बना है चारों तरफ से, ये भी पानी निकलने का कम से कम 25 एकड़ की जल फसल नुकसान हो जाती है। इसके बावजूद किसानों को तरह तरह से भोगना पड़ रहा है और उनकी कोई जल निकासी का कोई सुविधा भी नहीं हो पा रहा है, और वो कल SDM साहब को भी ज्ञापन भी दिया था। जी, तो इसमें प्रशासन का क्या कुछ कहना है, कोई जवाब अभी तक आया प्रशासन की तरफ से? प्रशासन मैम जो अभी आज आए थे कुछ जांच वाच करने को, पब्लिक को आश्वासन, ग्रामीण को आश्वासन दे दिया गया है कि उनके कार्य कराया जाएगा, बंधा टूटवाया जाएगा, उनका फसल की पानी निकासी होगी। जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद अनिल। दिनभर की बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।